بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک چٹکی بھر بھوسا یعنی توڑی لے کر مٹی کے برتن میں ڈال کر رات کو بھگو دیں اور صبح چھان کر نہار منہ پی لیں۔ ایک ہفتے بعد شوگر کا ٹیسٹ کروائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ غیر معیاری کریم اگر چہرے پر سائیڈ ایفیکٹ کر جائے تو شربت آتاب آدھا گلاس پانی میں اتنا ڈالیں کہ پانی میٹھا ہو جائے اور پی لیں، چند دنوں میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ بیری کے درخت کے نیچے پیشاب کرو گے تو جنید تمہیں تنگ کریں گے۔ رات کے وقت درخت ہلانے سے تمہارے سر میں درد رہنے لگے گا۔ ایک چمچ سنگھاڑے کا آٹا صبح کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے شوگر کم ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس چہرے پر لگانے سے جلد پر رونق اور صاف ہو جاتی ہے۔ تین کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایک ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے دو گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ پیٹ کی چربی وزن میں زیادہ اور مردانہ کا کمزوری کا علاج صرف ایک پھل کھانے سے ہے، وہ ہے جامن۔ جو لوگ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں، سیاہ رنگت صاف ہو جائے گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کدو کا سالن کھانے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لیا کرو، چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ گھر میں مردوں کے ہاتھ پر مہندی لگانا گھر میں رزق تنگ کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کر چونٹیوں کے اوپر سے گزرنا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ پکے ہوئے کیلے کو میش کر کے لیمو نچوڑ کر جلد پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ فالج کی بیماری میں خرگوشت کا گوشت بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے 20 روپے کی جلیبی لینی ہے، اس کے بعد 3 عدد کھجور،
एक चम्मच सफ़ेद तिलों के और एक चम्मच काले चने भुने हुए। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके सफूफ बना लें और इस सफूफ में जलेबी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, पेस्ट बना लें। हम बिस्तरी करने से पहले एक चम्मच खाएं। यकीन करें आप थक जाओगे पर फारिग नहीं हो पाओगे। निहार मुँह अदरक का रस चाटने से मिर्गी नहीं होती। भुना हुआ बाजरा खाया करें। लड़का पेट 3 दिन में सुकड़ जाएगा। खुश्क रोटी का टुकड़ा पानी के साथ खाना, घास पर नंगे पांव चलना, रोटी खाने के बाद कुछ चल लेना, पकाने के बाद जल्दी पानी ना पीना। घर में तित्तर पालने से खारिश की बीमारी नहीं आती। सीने की जलन की प्रॉब्लम हो तो केला खा लिया करो। दिल की बीमारी का मसला हो तो प्याज की चटनी बनाकर खा लिया करो। नीम गर्म पानी के साथ अद्वियात इस्तेमाल करो। अद्वियात जल्दी असर करती हैं। दूध की निस्बत दाही जल्दी हजम हो जाता है और दाही आंखों के रिएक्शन से बचाता है। अगर मसूरे दर्द करते हों या खून आता हो तो कच्ची गोभी खाओ, अफाका होगा। पांव के तलों पर तेल लगाकर सोने से जिंदगी भर बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। मछली खाने से बदन के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिल जाता है। खड़े होकर आटा गूंधने से कमर की तकलीफ बढ़ जाती है। लोबिया खाने से नज़र तेज हो जाती है। मुर्गी के पंजों की यखनी पीने से पट्टे मजबूत और जोड़ लोहे जैसे हो मजबूत हो जाते हैं। दांतों पर ठंडा गर्म लगता हो तो नमक वाले पानी से गरारे करो। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ की जाए ऐसी औरत हमेशा जवान रहती है। नज़र कमज़ोर हो रही है तो काजू और पिस्ता खाया करो। हर हफ्ते अपने आँखों की सफाई कर लिया करो। बालों का गिरना कम हो जाएगा। बारिश के मौसम में इंसान बाजरे की रोटी खाए, बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेगा। खारिश वाली जगह पर कपड़ों वाला तेल लगा देने से खारिश खत्म हो जाएगी। आलू बुखारा चेहरे की खूबसूरती के लिए बहुत मुफीद है। भुने हुए चनों पर सूरह फलक और सूरत नास 3 बार पढ़कर दम करें और इस्तेमाल करें। शरकान का शाफी इलाज है। हर वक्त दारूद शरीफ का विर्द करते रहना हर परेशानी से निजात का जरिया है। नहाने के बाद एक गिलास पानी पी लिया करो। दिल के अमराज से बचत रहेगी। सोने से काबिल आंखों के नीचे लीमू का छाल रगड़ लो, बिनाई तेज हो जाएगी। चेहरे पर झुर्रियां आ जाए तो
चेहरे को लहसुन वाले पानी से धो लिया करो, चेहरे की झुर्रियां कम हो जाएंगी। नहाते वक्त पेशाब आ जाए तो जान लो ये मैदा कमज़ोर होने की अलामत है। रोज़ाना अच्छी तरह वजू कर लिया करो, आपकी उम्र में इजाफा होगा। नीम गर्म दूध में रोगन बादाम शामिल करके पीने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। शैम्पू वाले पानी से घर का फर्श धोने से फर्श बेहतरीन चमक जाता है। घिने और काले करने के लिए एक पाव नारियल का तेल, मुट्ठी भर मेहंदी के पत्ते डालो और इसे बालों पर लगाओ। रोजाना सर पर लगाओ, इससे बाल खूब घने हो जाएंगे। सफेद आटा इस्तेमाल करने से मैदे के मिसाइल में इजाफा होता है। ऊंटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। किए के बगैर सोने से कमर मजबूत होती है। अगर नमोनिया हो जाए तो अंगूर के चंद पत्ते चबाने से आराम आ जाता है। दुआ के वक्त आंखों का भर आना दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तीन अलामत अगर आप में पाई जाए तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर मुंह से बदबू ज़्यादा आती हो, सर में दर्द ज़्यादा रहता हो या आपके पेशाब का रंग पीला हो। माश की दाल एक खाने का चम्मच लेकर रात को किसी शीशे के बर्तन में भगो दें। सुबह उसका पानी फेंक कर उसे छान लें और फिर वह पेस्ट चेहरे पर लगाएं। कील महास से दाने सब ख़त्म हो जाएंगे और रंग भी निखरेगा। जिस घर में दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे घर में दौलत की तंगी बहुत जल्द हो जाती है। जिस घर में सुबह उठकर वर्जिश करने की आदत पाई जाए, ऐसे घर के अफराद लंबी उम्र पाते हैं। हल्दी बूढ़े चेहरे को जवान कर देती है। रात सोते वक्त हल्दी नीम गर्म पानी में भगोकर चेहरे पर मल दें और सुबह चेहरा धो लें, चेहरा जवान दिखाई देगा। हर खाने में शिमला मिर्च को इस्तेमाल करें। अगर आप चूहों से तंग हैं तो चूहों के बिल के पास खाली अंडे का खौल रख दें, चूहे भाग जाएंगे। खट्टी मीठी चीज़ें खूबसूरती के लिए जहर हैं। काम करते वक्त अगर ज़्यादा सुस्ती और नींद का गलबा हो तो फौरी अंगूर खाकर साथ एक नाशपाती खाओ, सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। प्यास का रस पियो, छाती में बलगम साफ हो जाएगी। आँखों के नीचे रोगन बादाम का तेल लगाओ, आँखों में खूबसूरती और चमक उभर आएगी और नशीली आँखें नजर आएंगी। चलने से काबिल लहसुन खाओ, पट्ठे ढीले नहीं होंगे। नज़र कमज़ोर होती जा रही हो तो
दिए में जैतून का तेल डालकर जलाओ, फिर इसको देखो, नजर तेज हो जाएगी। खजूर की गुठली चाट लो, दांत में कीड़ा नहीं होगा। एक खरबूजे का छिलका पानी में उबाल कर मीठा मिलाकर गुर्दे के मरीज को पिला दें। हर घंटे बाद दें, पथरी खारिज हो जाएगी। जिस घर में जानवरों की तस्वीरें बनाई जाएं, उस घर पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। खड़े होकर बाल काटने से दिमाग कमजोर होता है। रोटी खाकर कभी मत नहाना, वरना तुम्हारी तवंद निकल आएगी। नहाने के फौरी बाद सोने से भूलने की बीमारी लग जाती है। चावल ज्यादा भी मत खाओ, जिगर खून बनाना कम कर देता है। सर में कड़वा डाल दो, सर में जुएं नहीं होंगी। जुओं को खत्म करना है, अदरक पीस कर सर में डाल दें। फीकी चीजें ज्यादा खाने से बवासीर कभी नहीं हो पाएगी। सोते वक्त पेट के नीचे एक छोटा तकिया रख दें। सारा दिन कमर में दर्द नहीं होगा। बाल रूखे हों तो बालों में बदख के अंडे को फेंक कर उसमें बकरी का दूध मिलाकर बालों में लगाओ, रूखेपन खत्म हो जाएगा। बालों की सफेदी खत्म हो जाएगी। पेशाब को ज्यादा देर तक रोके रखने से आपको घबराहट, बेचैनी और पथरी हो सकती है। पेशाब जब भी आपको आए तो जितना हो सके जल्दी कर लिया करो। अगर आप जल्दी में कच्ची रोटी खा लेते हैं तो इससे आपको पेट की बीमारी पैदा हो सकती है। छींक रोकने से आप जहनी दबाव और जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी भी एक इंसान को जानूनी कर देती है। बदहजमी की सूरत में दूध से परहेज करो। खड़े होकर झाड़ू देना कमर को टेढ़ी कर देता है। क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी भी इंसान को जानूनी कर देती है। अगर आप यखनी घाड़ी करना चाहते हैं तो यखनी पकाते वक्त चावलों के चंद दाने डाल दें, यखनी गाढ़ी हो जाएगी। झूठ कसरत से बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने के माहिर खाने के फौरी बाद नहाने से गुरेज करो, क्योंकि ये सेहत के लिए निहायत नुकसानदेह होता है। नाखन पर तेल लगाने से यादाश्त तेज होती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। निहार मुंह शहद की आदत बना लो, मैदा तेज हो जाएगा। महावरी के दौरान तकलीफ हो तो शहद में सेब डालकर खाओ। अगर आप जिल्द को हमेशा जवान रखना चाहते हैं तो रोजाना एक दही का प्याला खाना मत भूलें। अंडे की सफेदी सर पर लगाने से
बाल नहीं गिरते, भूख को ज्यादा देर तक रोके रखने से सर का चकराना और बदहजमी पैदा हो सकती है। अगर किसी को भूलने की बीमारी है तो वह अफराद दार चीनी चबाया करें। इस मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। केले का छिलका गले पर बांधने से तानसल्स हो तो उनमें अफाका हो जाता है। अगर आपका गला दुखता हो तो हल्दी और शक्कर एक एक चम्मच लेकर उसे फांक लें और फिर गर्म दूध आहिस्ता आहिस्ता पी लें। इंशाअल्लाह फौरी आराम आ जाएगा। शहद को सिरके में घोलकर कुलियां करने से दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। रोजाना सुबह लहसुन की दो जुएं और एक चाय का चम्मच शहद खाओ। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। माल्टे का जूस भूख को बढ़ाता है। रात को पेशाब के कतरे आते हों तो बंद गोभी के पत्तों की चाय बनाकर इस्तेमाल करें। रात को ठंडे पानी में अदरक डालकर पिए। खड़े होकर पानी पीने से मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। पेशाब करके फौरन पानी मत पिया करो, वरना पेशाब पीला आएगा। नहाने फौरी बाद सुरमा मत लगाओ, वरना नजर कम हो जाएगी। जोर लगाकर पखाना मत करो, से मसाने को नुकसान पहुंचता है। गोश्त खाकर दूध ना पियो, वरना दांत में कीड़ा लग जाता है।